नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, सीबीएसई फिफ्थ क्लास बोर्ड एग्ज़ाम और आज की एक्सरसाइज है 6B। डेट है आज की 22 जून 2020। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच सेट्स ऑफ अनलाइक डेसिमल्स इंटू लाइक डेसिमल्स। सब कुछ बताने वाला हूँ कि लाइक डेसिमल्स क्या होता है, अनलाइक डेसिमल क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट गाइज आप ये सुनिए कि लाइक डेसिमल क्या होता है। लाइक डेसिमल का मतलब है कि जो आपका पॉइंट लगता है ना, उसके बाद में सेम डिजिट होने चाहिए। जैसे इसमें 2 डिजिट हैं, तो अदर जो आपकी जो नंबर है ना, उसमें भी 2 डिजिट होने चाहिए। अनलाइक का मतलब एक में 2 है तो एक में 3 हो सकते हैं, एक में हो सकते हैं, बराबर नहीं होंगे। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि इसमें यह डेसिमल है पॉइंट, इसके बाद में कितना है, 4 है। इसमें कितना है, 4 है ना, 10 डेसिमल के बाद। और इसमें सॉरी 4 क्या, इसमें एक ही तो डिजिट है, और इसमें कितने डिजिट हैं, 2। तो ये आपकी क्या हो गई, अनलाइक डेसिमल्स हो गई। ठीक है, ये भी अनलाइक है, सभी अनलाइक हैं। तो इनको मुझे लाइक बनाना है, तो मैं लाइक इनको आराम से बना दूंगा, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। देखिए पहला करते हैं। ठीक है, तो पहला करने के लिए मैं इसको अनलाइक कैसे बनाऊँगा, मुझे पता है 2.4। इसमें देखिए पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, 2। तो इसमें एक तो है, एक और मुझे लगाना है, तो एक मैं 0 लगा दूँ। ठीक है, कोमा 104.73, बस हो चुका है। बी लगाइए। इसमें भी देखिए 2 डिजिट है, तो इसमें भी 2 होने चाहिए, तो 5.6, और एक मैंने 0 ले लिया, और ये 0.04 है ही। ठीक है, तो ये बना दिया। अब सी में आ जाइए, कितना जल्दी कर रहा हूँ देख लीजिए आप, खुद देख दो, आपके सामने सब कुछ। ठीक है, इसमें कितने डिजिट हैं, 2। इसमें 3। इसमें कितने हैं, इसमें है ही नहीं, देखिए पॉइंट ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो 10 पॉइंट यानी कि डेसिमल के बाद में 3 डिजिट होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 105.04। 2 डिजिट है, 1 0 लगाते हैं। ठीक है, ये अपने आप पर सही है ही। जिसमें ज़्यादा होना डिजिट पॉइंट के बाद में, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। इसमें नहीं है तो हम क्या करें, 127.000 कर देंगे बस, और क्या है, हमें क्या करना यार इसका। आगे देखिए डी को करते हैं आराम से। ठीक है, तो देखिएगा इस 0, इसमें देखिए पॉइंट के बाद में 1 है, इसमें भी 1 है, बस इसे कुछ भी नहीं करना है। ये है ना आपका, जो ये लाइक डेसिमल में, ये सभी लाइक डेसिमल्स हैं, और ये ऊपर वाले अनलाइक थे। ठीक है, ये आपका लाइक था, क्योंकि इसमें देखिए पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, इसमें भी 1 डिजिट है। समझ में आ चुका होगा लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो इसे भी गाइस आप आराम से देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स विद द सिंबल लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल आपको लगाना है, यानी कि इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, बस ये हम आराम से बता देंगे। देखिए पहले तो मैं आपको बोलता हूँ, पॉइंट से लेफ्ट साइड वाले को आप ध्यान से देखिए। पॉइंट से लेफ्ट साइड इसमें कितना है, 0। इसमें कितना है, 1। आप बताइए, अब 0 बड़ा होता है या फिर 1? 1 बड़ा होता है, डेफिनेटली 1 की तरफ हम मुँह कर देंगे। पहले से मैं आपको चिन्ह बता चुका हूँ, ये है ना, ये आपका माउथ होता है, माउथ। ठीक है, ये आपकी साइड क्या ना, बीक होती है, यानी कि जो। अब आप बताइए माउथ बड़ा होता है या फिर बीक? माउथ बड़ा होता है, तो बड़े की तरफ आप मुंह कर लो बस, ये आपका मुंह, ये आपकी चोंच। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, इसमें 5.82। पॉइंट के आप लेफ्ट साइड वाला देखिए पहले, ठीक है, वहीं से ही आपको पता चल जाएगा। इसमें कितना 0, इसमें कितना 5, बस हो चुका है यार, ये बड़ा है, इसकी तरफ मुँह कर दो, जो बड़ा हो उसकी तरफ मुँह कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, 1.6। इसमें 0 है, इसमें 1 है, बस ये बड़ा कर दिया। ठीक है, इसमें ये, इसमें देखिए 0.766 भले ही हो, पॉइंट की इधर क्या है, 0, इस साइड क्या है, 1, ये बड़ा कर दिया बस। ठीक है, 915, और इस साइड कितना है, इस साइड देखिए पॉइंट से इधर 1 है, इस साइड यदि पॉइंट लगा कर देखो तो 915, यानी कि ये बड़ा, तो इस साइड मूव कर दीजिए बस, कुछ भी नहीं करना है यार आपको, बहुत ज़्यादा ईजी बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये तरीका आपको बहुत ही कम मिलेगा। आगे देखिए, इसमें पॉइंट के इस साइड लेफ्ट साइड 0, इसमें 1 है, ये बड़ा, ये लो। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हो आप, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना कि ये जो मैंने तरीका बताया आपको कैसा लगा, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, वो एक तो एसेंडिंग ऑर्डर का, एक है डिसेंडिंग ऑर्डर का, दोनों को बिल्कुल इत्मीनान से बताऊँगा। ठीक है, तो गाइस देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, स्मॉल टू बिगर की तरफ आपको जाना है, ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो पहला क्वेश्चन है, इसको मैं आराम से करूँगा। तो सबसे पहले आप पॉइंट के इस साइड वाले में देखूँ तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 26, यहाँ पे 0, यहाँ पे ये 22, यहाँ पे 22। तो सबसे छोटा कौन सा है, 2, ये 0 पॉइंट। ठीक है, तो पहले ये आ जाएगा 0.262। इसके बाद में किसका नंबर आएगा आप बताइए, पहले तो 0 वाला आ गया, उसके बाद 2 वाले का नंबर आएगा 2.62। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे तो 26 है, यहाँ पे 22, 22। इन दोनों में से पहले यहाँ पर मैं 0 करूँ यदि,
और ये तो 222 और ये 220 से थी, ये पहले आएगा 22.22 22, ठीक है ना, सही से बोलना भी सीख लेना चाहिए। उसके बाद में ये आ जाएगा 22.222 और एंड में ना आपका ये आ जाएगा 26.2 26.2। डेफिनेटली आपके लिए समझ आपके समझ में आ चुका होगा। अब करते हैं गाइस हम नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है यार, संख्या में बहुत ज़्यादा देते हैं सीबीएसई वाले। तो इसमें देखिए इस साइड 2 है, इस साइड 1 है, ये 0 है, 0 है, 0 है, 1। पहले 0 वाले उठाएंगे, 0 वाला में सबसे छोटा, इसे मैं यदि दो डिजिट पूरा करूँ तो ये 70 बनता है, ठीक है। और इसमें दो डिजिट है, इसमें दो डिजिट, तो आप बताइए 8 पहले आएगा, 70 पहले आएगा, या फिर 47। तो पहले आएगा ये, यानी कि 0.08 है ना, वो आपका पहले आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। उसके बाद में 70 से पहले तो ये 47 आएगा, 0.47 0.47। उसके बाद में 0.70 70 वाला जाएगा ये। देन इसके बाद में 1.89, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा 2.3। बस हो चुका है यार, ठीक है ना। पॉइंट के हिसाब से आप मैच कर लीजिए, या फिर आप ये काम कीजिए, सभी में आप है ना पॉइंट है ना डेसिमल, उसके बाद में कितने डिजिट है मैक्सिमम उसके बराबर कर लीजिए बस, ठीक है। वहाँ से आपका क्वेश्चन और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आगे इसमें हम देखते हैं पॉइंट की साइड 3 3, यहाँ तक तो ये दोनों बराबर है मानोगे, मैं मेरे तरीके से ढूंढ रहा हूँ। सबसे छोटा ये है 0.91, तो 0.91 सबसे पहले आ गया, उसके बाद में 1.8, ठीक है। देन देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो इन दोनों में से ये छोटा यानी कि 3.02। फिर इसकी बारी आ जाएगी 3.01, ठीक है, क्लियर। 3.02 ये मैंने नीचे, हाँ हाँ 3.32 होगा, मैंने नीचे वाला देख लिया, मैंने ये यहाँ से देख लिया था, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए 6.3, फिर 8.5, 6.3, फिर आ जाएगा 8.5। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, ठीक है, तो ये मैंने कितना कर दिया है, सी कर दिया गाइस, ठीक है। अब करते हैं हम डी, तो डी में यदि मैं देखूँ तो ये कितना 10 है, ये 10 है, ये 2 है, ठीक है, ये भी 2 है। 2 में यदि हम देखें तो 350 यानी 350 है, तो ये ही पहले आएगा 2.35, ठीक है। इसके बाद में 2.609, ठीक है, 2 2 वाले पूरे हो चुके हैं। फिर 3 की बारी आएगी 3.01, ठीक है। फिर 4 की बारी आएगी 4.96, फिर 5 की बारी आएगी 5.76, देन आ जाएगा आपका कितना 10। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आराम से करेंगे, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर इस बार उल्टा होगा, सबसे बड़ा कौन सा वो पहले आएगा, 4 है, 0 है, 1 है, 4 है, 5 5, वो ये सबसे पहले आएगा 5.003, ये सबसे पहले। फिर 4 वाले में कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, ये आएगा, या फिर ये आएगा पहले, ठीक है, 4.312, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा 4.009 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यदि हम देखें तो ये 4 4 वाले दोनों आ चुके हैं। इसके बाद में ये आ जाएगा 1.018, ठीक है, 0.12, ये आपका डेफिनेटली है वो सही आंसर हो चुका है। यहाँ से नेक्स्ट देखिए 68, यहाँ पे देखिए 68, यहाँ पे 57, 87, 76, 57 है, 87 है, तो मुझे यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है कि ये 57 और ये 57, ये 98 है, ये 89 है, ये, ठीक है, सबसे बड़ा छांटना था ना यार, अभी गलत कर देता, ठीक है। तो देखें ये 87.9 है, ये 87.4 है, ये आ जाएगा पहले 87.9, ठीक है, कोमा 87.4, ठीक है ना, 87.4 आ चुका है, ये 2 क्लियर हो चुके हैं आपके, यहाँ से ये 57 है, ये 76 है। तो फिर बारी आएगी आपकी क्षेत्र वाली, तो 76.89, ठीक है। इसके बाद में यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर तो देखिए 57 है, यहाँ पे 57.98 68 वाला जाएगा 68.7, ठीक है ना। मैं यार हिंदी में ज़्यादा कंफर्ट हूँ इसलिए मैं हिंदी बोल जाता हूँ बीच बीच में, ठीक है ना, इसको कम ही मत मानना, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरा। इसके बाद में यह आ जाएगा 57.98 और देन आपका ये आ जाएगा 57.89, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी इसमें आपको यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी कि सी की तरफ। तो यहाँ पे देखिए अब सी की बारी आ चुकी है। सी में इनमें देखो मैं सबसे बड़ा कौन सा, तो ये 57 वाला बड़ा है सबसे, 5.7, ठीक है। देन देखिए जल्दी जल्दी करते हैं, क्या रखा है दिमे में, 3.4 आ जाएगा, ठीक है। देन इससे छोटा मैं ये देखूँ 0.7, ये आ जाएगा, ठीक है, तो 1.004, ठीक है। देन देखिए इन सभी को मोड आ चुके हैं, ये देखना है, ये ठीक है, 0.4 0.87 वाला जाएगा, 0.87,
ठीक है, देन ये आ जाएगा 0.44, 0.44, देन ये आ जाएगा 0.24, क्लियर। ठीक है, आगे देखिए हम लास्ट, ठीक है, ये हम आराम से करेंगे यार, ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 5.5, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा, ये है 5, ये 5.5, यहाँ तक तो ये बड़ा है, ये बड़ा है सबसे, 5.5 आ गया सबसे बड़ा। उसके बाद में 5 से और कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, 5.005, ये आ जाएगा फिर 5.05, ठीक है, उसके बाद में ये आ जाएगा 5.005, ठीक है ना। मैं छोटों की तरफ जा रहा हूँ, तीन में क्लियर कर चुका हूँ, 5.5 ये हो चुका है, ये हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए 0.5, ये आ जाएगा फिर आपका 0.5, ठीक है। उसके बाद में यदि मैं देखूँ तो आपका आएगा 0.55 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, फिर आएगा आपका ये यहाँ से हटाना 0.5, ठीक है। फिर अच्छा क्वेश्चन है यार, 0.05, देखिए मुझे इतने सोचने को मजबूर कर रहा है, तो आपको तो पक्का करेगा, ठीक है ना गाइस। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।